फ्रेंड्स, इस नोट को भेजने का मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है फ्रेंड्स, ब्लैक क्लाउड हमें डराना चाहता है। वो साफ साफ हमें धमका रहा है कि हम उसके रास्ते में ना आए। लेकिन उसे पता कैसे चला कि हम उसे नेकलेस का लाले देके पार्टी में बुलाना चाह रहे हैं? वो हमें चैलेंज कर रहा है कि वो हमारे नाक के नीचे से नेकलेस चुरा कर ले जाएगा। इसके पैर में सुई चुभने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर हम उसके रास्ते में आएंगे तो वो भी हमारा यही हाल करेगा जो डॉल का किया है। ये सब छोड़ो फ्रेंड्स, वो हमें सिर्फ डराने की कोशिश कर रहा है। संजय इज राइट, हमें डरना नहीं चाहिए और हमें अपने प्लान पर आगे काम करना चाहिए। हाँ चलो। अब मैं अकेले ही कुछ करूंगा। मैं संजू को क्लाउन को पकड़ने में हेल्प करूंगा। इस पे लिखी राइटिंग मुझे क्लाउन तक पहुंचाएगी। चलो अब प्लान बताओ। ओके। रुको। अरे जगू, तुम कहाँ रह गए थे? मैं वहाँ पे लेटर पढ़ रहा था। तुम लोग क्या बातें कर रहे थे? हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि पार्टी में कौन क्या काम करेगा। ओके, तो ये डिसाइड हो गया। सजना और जग्गू ललिता बहन के पास जाएंगी। यस संजू, हम ललिता बहन को अपनी बातों में ऐसे फंसाएंगे कि वो पार्टी में डायमंड का नेकलेस जरूर पहन कर आएगी। वेरी गुड। चंदू, तुम पार्टी में मास्क बांटोगे। ओके, लेकिन तुम क्या करोगे? मैं खाने पीने का इंतजाम करूंगा। ओके। हाँ चलो। कर्मिया और बस इस साइड। अरे संजना, कर रहा हूँ ना, मुझे पता है क्या क्या करना है। संजू, तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने खाने का ऑर्डर दे दिया? हाँ कर दिया। गुड। कोल्ड ड्रिंक्स का? हाँ कर दिया। वेरी गुड संजू। संजू, जब तक मैं लाइट ऑर्गेनाइज करता हूँ तब तक तुम बल्ब चेक करो। ओके, जाओ। खा जाऊंगा, जाल तोड़कर उड़ जाऊंगा। दूर रहो, मैं एक आग का गोला हूँ। पास आओगे जल जाओगे, यह पहले भी मैं बोला हूँ। चोरों का मैं मौसा हूँ, शैतानों का मैं नाना। तुमको मैं समझा रहा हूँ, मेरे रास्ते में मत आना। मैं हूँ ब्लैक क्लाउन। शांत हो जाओ, संजू को कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं होगा उसे। नहीं करण भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। संजना डरो मत। संजू, अगर तुम्हें वो चाकू लग जाता तो? संजना, ये ब्लैक क्लाउन अपना चाकू और ये आग दिखाकर टाइम वेस्ट कर रहा है। मैं इन चीजों से नहीं डरता। नहीं संजू, वो बहुत खतरनाक है, हमें उसे दूर रहना चाहिए। अरे फेंको उस डॉल को, अरे इस नोट को। कन्या, हमें और भी काम है। संजू, आज तो वो चोर मुझसे बच गया, लेकिन कल मैं उसे नहीं छोड़ूंगा और उसे सीधा पुलिस के हवाले कर दूंगा। कन्या, हम उसे पकड़ लेंगे। हाँ संजू, लेकिन संजू अब हम सबको केयरफुल रहना होगा, ठीक है? और हमें अपने दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। कन्या, अब शो ये चाल उस पागल मैनेजर की है, वो शक्ल से भी बहुत खतरनाक लगता है। संजना, हम पार्टी में उसे पकड़ लेंगे। अरे हाँ संजू, तुमने चंदू को मास दिया? कन्या, ये तो मैं भूल गया, मैं अभी लेकर आता हूँ। हाँ संजू, अभी जाओ। संजना,
शांत हो जाओ। वेरी गुड, यहाँ कोई भी नहीं है। अब जल्दी से मास्क बनाता हूँ। अब जल्दी से मास्क चंदू को देता हूँ। अरे चंदू, तू कहाँ था? मैं तुझे कहाँ नहीं ढूंढा। मैं कपड़े लाने गया था, बोल क्या हुआ? ये ले मास्क और पूरी सोसाइटी में बांट दे। समझ ले, बट गए। और एक बात ध्यान रखना। क्या? क्लाउन और मैनेजर को सेम मास्क नहीं मिलने चाहिए। क्यों? अरे हम मैनेजर को रंगे हाथ कैसे पकड़ेंगे? एक मास्क, दूसरा मास्क। समझ गया समझ गया। लेकिन संजू, अगर मास्क कम पड़ गए तो? मेरे पास फिर से आ जाना, मैं तुझे और मास्क दे दूंगा। लेकिन तुम्हारे पास इतने सारे मास्क आए कहाँ से? वो पिछले साल के मास्क रखे हुए थे। वही मैं सोच रहा था कि पिछले साल के मास्क गए कहाँ पे। अरे सब छोड़, तू संजना के पास जा और उसको कहे कि ललिता बहन को एक मास्क दे। हाँ, और ललिता बहन को जाके कहे कि वो हमें पार्टी में गेस्ट ऑफ ऑनर बन के, राइट? यार चंदू, तू बहुत स्मार्ट है यार। स्मार्ट के साथ इंटेलिजेंट भी। हाँ वही, चल। हे भगवान, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रही है हिसाब किताब। ये सोसाइटी वाले हैं कि मेरी जान के दुश्मन है? ये 50,000 की चोरी का हिसाब तो मैं सोसाइटी वालों के पास से ही लूंगी। ये राजा, ये भगवान, दो दिन में क्या गई। हेलो दी। हाँ हेलो हेलो, आ जा। ए जाकू, तुम्हारे पिताजी ने मेंटेनेंस भेजा है कि नहीं, कि इस बार भी? आंटी, हम आपको पार्टी में इनवाइट करने आए हैं। पार्टी? कैसे पार्टी? सोसाइटी में मास्क पार्टी है, आपको मास्क पहन के आना पड़ेगा। क्या? आंटी ये लीजिए आपका मास्क। क्या? थैंक यू थैंक यू। लेकिन क्या है ना बच्चों, तो आजकल मैं पार्टी में जाती नहीं हूँ, खर्चा बहुत होता है। और वो सब तुम लोग छोड़ो ना, तुम एक काम करो, तुम लोगों के दिन है, तुम लोग एंजॉय करो। हाँ जाओ कर पार्टी, जा ये लो। भगवान, ये भगवान, अगर पार्टी में नहीं आएंगे तो हम पार्टी नहीं करेंगे, क्योंकि आपके बिना हमें मजा ही नहीं आएगा। और आंटी, वैसे भी आपके बिना हमारे सोसाइटी में कोई पार्टी हो सकती है? आंटी, आपने सोसाइटी के लिए इतना सब कुछ किया है। हाँ, वो तो है। हाँ आंटी, और अगर आप ही नहीं आएंगे तो कैसा लगेगा? और आंटी, आपको पता है आप हमारी पार्टी के गेस्ट ऑफ ऑनर है। अच्छा? अरे बच्चों, तुम लोग ही हो जो मुझे इतना ऑनर करते हो, बाकी सब तो मुझे खाली रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ये लेकिन क्या आंटी, अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, बस आपको आना ही पड़ेगा। अरे अरे, बैठो बैठो, शांति रखो, बैठो। आंटी, आपको पता है हमारी जो पार्टी है ना, वो क्रिसमस पार्टी जैसी है। अच्छा? सब लोग अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहन के आएंगे। तो क्या मतलब है तुम्हारा? मैं अच्छे कपड़े नहीं पहनती हूँ? अरे मैं हमेशा अच्छे कपड़े पहनती हूँ, डिजाइनर वेयर पहनती हूँ, डिजाइनर वेयर। मेरी सारी साड़ियाँ अहमदाबाद और बंदर। आंटी आंटी, आप बहुत अच्छे कपड़े पहनती हैं। हाँ। लेकिन आंटी, आपको एक बात बताओ। हाँ? एविंग वाली मिसेस मल्होत्रा है ना, वो कह रही थी कि वो पार्टी में 2,00,000 रुपए का डायमंड वाला हार पहनकर आएगी। मिसेस मल्होत्रा 2,00,000 का डायमंड का हार? अरे छोड़ो। हाँ। वो तो ये भी कह रही थी कि उससे महंगा हार सोसाइटी में किसी के भी पास नहीं है। अरे जितनी कीमत का उसका फ्लैट नहीं है ना, उसकी दुगनी कीमत का मेरे पास 15,00,000 का हार है, वो भी रियल रियल डायमंड का हार है, मेरे दादाजी ने मेरे को दिया था। अच्छा आंटी, मतलब आप पार्टी में वो 15,00,000 रुपए का हार पहन के आएगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं को डरती हूँ, मैं तो जरूर पहन के आऊंगी। पता है संजना, आंटी जब भी पार्टी में वो हार पहन के आएगी तो उनका हार सेफ भी रहेगा ना? हाँ जग्गू, आजकल सोसाइटी में चोरियां भी बहुत बढ़ रही है, और जग्गू अगर कोई आंटी के घर पे आएगा तो वो कीमती चीज चोरी कर ही नहीं पाएगा, और पार्टी में भला सबके सामने कैसे चोरी कर पाएगा? क्यों आंटी? अरे आऊंगी आऊंगी, 101% आऊंगी, मैं कुछ डरती नहीं हूँ। मैंने क्या बोला तुमको? तुम्हें मालूम है वो हार मुझे मेरे दादाजी ने दिया आंटी था। भाई। अरे आंटी ने नहीं, मेरे दादाजी ने। क्या दिन थे वो, मेरा हैप्पी बर्थडे था और सांता और मैं दोनों झूले। अरे कहाँ चले गए? अरे अरे सुनो, जाने दो, अरे बाकी की कहानी मैं पार्टी में सुना दूंगी। मिसेस मल्होत्रा, तुम लोग ने तो कमाल कर दिया। हाँ संजू, हमने ललिता बहन को अपनी बातों में ऐसे फंसाया कि वो 15,00,000 का हार हमारी पार्टी में पहनकर आने को तैयार हो गई। हाँ, और ललिता बहन को शक भी नहीं हुआ कि हम लोग ब्लफ मारे थे।
फ्रेंड्स, मुझे पता था तुम एक कम आसानी से कर सकते थे। हाँ संजू, पर एक बात है, हमें ललिता बहन से बात करने में बड़ा मजा आया। ठीक है, हमें डेकोरेशन की फाइनल टचअप करनी है ना। संजू, हाँ चलो चलो चलो। संजू, मुझे 10 मास्क चाहिए। ठीक है, मैं देखता हूँ। अरे ये क्या था? संजू, झाड़ के पीछे कुछ है। चलो, चलो चलो। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। के पास ले जाए? नहीं, तुम लोग फाइनल टचअप के लिए जाओ, मैं डॉक्टर के पास चले जाऊंगा। चंदू आराम से। हाँ जाओ तुम लोग, बाय, बेस्ट ऑफ लक। संजू ना, अभी हमें बहुत सारे काम है। ये सब तो ठीक है संजू, पर हमें एक बात पर स्पेशली ख्याल रखना होगा। किस बात का? हमें ये ध्यान देना होगा कि वो दोनों क्लाउंस हमारी पार्टी में जरूर आए। हाँ, क्योंकि वो दोनों जल्दी सो जाते हैं और जब सोसाइटी में चोरी होती है तो वो लोग बोलते हैं कि हम लोग सो रहे थे और कोई उन पर यकीन नहीं करता। हाँ फ्रेंड्स, हमें उन दोनों क्लाउंस पर नजर रखना होगा और उन्हें सोने नहीं देना होगा। हाँ, ताकि जब चोरी हो तो हम ये तो प्रूव कर सके कि वो दोनों क्लाउंस हमारे साथ थे। हाँ फ्रेंड्स, हम चंदू को भी बोल देते हैं कि वो दोनों क्लाउंस पर नजर रखे। वो सब तो ठीक है संजू, चलो जाकर देखते हैं कि खाना रेडी हो गया है कि नहीं। हाँ चलो। हाँ संजू जल्दी चलो, हमें खाने पीने का इंतजाम करना। जग्गू, तुम इसके लिए पानी लेकर आओ, मैं आता हूँ। ओके संजू, जल्दी आना। सब ठीक हो जाएगा। ये लो संजना, पानी पी लो। अब तुम कैसे फील कर रहे हो? क्या फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम? संजना को करंट लग गया है। कैसे? वहाँ पर वायर पड़ा था, ये कान जरूर उस ब्लैक क्लाउन का है। संजू, वो क्या है? ये क्या है? ये तो फिर से चोकर। नेकलेस तो एक चारा है, ये फैला जाल तुम्हारा है। चारे को मैं खा जाऊंगा, जाल तोड़ के उड़ जाऊंगा। तुम तो छोटे बच्चे हो, अभी अक्ल के कच्चे हो, समझ सको तो समझ लो। अभी भी ताकत मेरी कितनी भारी, छोड़ दो लेना पंगे मुझसे वरना रोगे जिंदगी सारी। चोरों का मैं मौसा हूँ, शैतानों का मैं नाना,
तुमको मैं समझा रहा हूँ, मेरे रास्ते में मत आना। मैं हूँ ब्लैक क्लाउन, मैं हूँ ब्लैक क्लाउन। मतलब ये कंफर्म हो गया कि करण ब्लैक क्लाउन ने लगवाया था। फ्रेंड्स, अब मैं ब्लैक क्लाउन को और नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। हाँ संजू, अब हमें ये किस्सा खत्म करना ही होगा। चलो अब डिसाइड करते हैं हमें आगे क्या करना है। ओके फ्रेंड्स, हम मास पार्टी की प्लानिंग कर लेते कि कौन कहाँ रहेगा और क्या करेगा। ओके चंदू, तुम हॉल के हर कोने पर नजर रखोगे। ओके। संजीरा और जग्गू, तुम मैनेजर और क्लाउन पर नजर रखोगे। ओके। और मैं ललिता बहन के नेकलेस पर नजर रखूंगा। ओके। और हम में से किसी को भी ब्लैक क्लाउन दिखाई देगा तो हम चिल्लाकर उसे पकड़ लेंगे। ऑल द बेस्ट। सजना, आर यू फीलिंग बेटर? यस। चलो फ्रेंड, सजना को घर पे छोड़ देते हैं। हाँ, चलो। इस ब्लैक क्लाउन ने मैं बहुत परेशान किया है। मैं इस ब्लैक क्लाउन को नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे पकड़ के ही रहूंगा। इस नोट पे लिखी हैंडराइटिंग मैं बाकी लोगों की हैंडराइटिंग से मैच करूंगा, और जिसकी हैंडराइटिंग मैच हुई वही ब्लैक क्लाउन है। दोनों लेटर की राइटिंग बिल्कुल सेम है। संजू, तू फिकर मत कर, आज शाम तक ब्लैक क्लाउन हमारी पकड़ में होगा। बस मुझे सिर्फ एक ही काम करना होगा, मुझे सबको बोलना होगा, अंकल आप मेरी ऑटोग्राफ बुक में आपका ऑटोग्राफ साइन कीजिए ना, और उसमें छोटा सा मैसेज लिखिए। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।